हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बीपीएससी 67th से रिलेटेड जो अपकमिंग नोटिफिकेशन के बारे में है, जो मुझे पता चला, मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में जो बीपीएससी ने ऑडिटर का जो एग्ज़ाम लिया था 29 अगस्त 2021 को, अभी जस्ट विद इन 10 to 15 मिनट्स अगो रिलीज कर दिया अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल आंसर की। तो आइए देखते हैं क्लिक करके और सारे अपडेट्स को जानेंगे, बीपीएससी से रिलेटेड सारे अपडेट्स को, साथ में 67वीं बीपीएससी नोटिफिकेशन के बारे में भी जानेंगे। तो फाइनली ओएमआर सीट तो फिलहाल में नहीं मिलता है। जो आपका क्वेश्चन बुकलेट है उससे आप लोग अपना क्वेश्चंस को टैली कर सकते हैं, और ये आपका 95 से 97% ये सेम आंसर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। दो चार, मुश्किल से चार पांच क्वेश्चन हो जिसपे कभी कभी बीपीएससी डिलीट कर देता है, नहीं तो फाइनली दो चार का आंसर चेंज करता है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर ऑफ सीरीज ए बी सी डी और फाइनल आंसर है आपका लास्ट में। तो आप लोग एक एक करके अपना सारा चेक कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रॉल करके सारे आंसर्स की को ये आपके स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग एक एक करके सारे अपने आंसर्स की को मिलाएं, और आंसर्स की मिलाने के बाद आपको लगता है कि मुझे क्लेम करना चाहिए तो आप बेशक क्लेम कर सकते हैं। और जिनका भी नंबर मैं पहले ही बताया था 90 के राउंड में है, वो अपने मेंस की तैयारी में लग जाएं, और आशा करता हूँ लगे भी होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों का बीपीएससी ऑडिटर के एग्जामिनेशंस को लेके। तो आप लोग इसे मिला आंसर किसको और कमेंट सेक्शन में बताएं कि किनका कितना मार्क्स बन रहा है, ताकि ये अपडेट मिल सके और आप लोगों को ये बताने की मैं कोशिश करूंगा कि जो एक एग्जैक्ट एक सर्वे के बाद आफ्टर आंसर की कितना कट ऑफ होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है। दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि आपका 67वीं का बीपीएससी का नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बीपीएससी एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो अमरेंद्र कुमार सर हैं, उनके द्वारा बताया गया था कि 20 तारीख के आसपास में, तो 20 तारीख आज हो गया और मे भी आने वाले एक दो दिन में, जो मुझे पता चला आज अभी से एक दो घंटे पहले, तो उसके अकॉर्डिंग कल परसों यानी कि 23 तारीख के राउंड में आपका नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिले हो रहा है। बीपीएससी इस समय बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में है, और बैक टू बैक जितनी वैकेंसीज का जो अपडेशन हुआ है, उसके बाद जितनी भी वैकेंसीज आई है उसके एग्जामिनेशन को लेके एक बहुत बड़ा प्रेशर है, जिसके कारण नोटिफिकेशन में डिले हो रहा है। और बीपीएससी 67वीं एक बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, और एक पूरे बिहार, जो बिहार में बीपीएससी है वो इसी के लिए जानी जाती है। लेकिन बीपीएससी एक एग्जामिनेशन बॉडी है जो कि बहुत तरीके के एग्जाम्स को कंडक्ट करती है, ठीक है। लेकिन जो लोग दिमाग में ये बैठा है कि बीपीएससी मतलब कि जो मेन सिविल सर्विसेज की बीपीएससी है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। बहुत सारे एग्जामिनेशन, जैसे आपका ऑडिटर हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर, बहुत सारे वेरियस इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, लेक्चरर्स, और बहुत सारे जो प्रेशर्स हैं बीपीएससी के ऊपर, वो बीपीएससी उसे हैंडल करता है, ठीक है फ्रेंड्स। और आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर डेली कुछ ना कुछ आपको ऑफिशियल अपडेट मिलता ही रहता है, और बीपीएससी के पास इतना प्रेशर है कि 67वीं का नोटिफिकेशन बस अपलोड करना है और इसे जारी करना है, और कुछ में कुछ एडिशन करना है, मतलब कुछ पोस्टें जो बाकी रह गई थी उसको, तो सब सारा चीज़ लगभग फाइनल है। आपको नोटिफिकेशन 22 से 23 तारीख को देखने को मिल सकता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बोले, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सारा आपको ऑफिशियल अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। बेस्ट ऑफ लक फॉर 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। थैंक यू। कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन।